बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ सर 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 प्लीज आप सर। क्या नाम है आपका? हाँ बोलिए, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? भाई हम दो भाई हैं, एक भाई अपने नाम हम लाख चाहिए। अच्छा ये कब की बात है? ये 8/2008 मामला पूरा चल रहा है। तो पहले आप कई बार तनख्वाह दिए थे हमें, और क्या है उसमें कुछ पता है उनका खतरा सर? 2008 में जो है रात में से असेसमेंट हो रहा था, उनके भाई का नाम चल गया था। जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि मेरी की ज़मीन थी और इनके भाई ने उसमें बनवाया, उनके भाई ने ही बनवाया और भाई ही रह भी रहे हैं गुजरात में। तो नजूल की ज़मीन आपने असेसमेंट में कैसे चढ़ा दिया सर? आपके पास नगर पालिका के पास रिकॉर्ड रहता है ना कि नजूल की ज़मीन थी, उसमें आपने असेसमेंट मान के संपत्ति कर भी लेने लग गए क्या? आपने तो सर्टिफिकेट कर दिया है ये कैसे कर दिया? 2008 अरे तो आप चेक करके बताइए मुझे, सिटी मजिस्ट्रेट का वेरीफाई कीजिए, दोनों को ही कब्जा है भाई, कितना भी पुराना आज के दिन में हमारा भी नाम होना चाहिए था। हम लोग उसका नाम ही गलत लग रहा है। आप वैसे कहाँ पे रहते थे पहले? यहीं रहते हम लोग, नजूल की भूमि है ना जी, नजूल की हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं छप्पर डाल के। फिर हमारी जब मामला तो नजूल सरकारी है बाबा, उसमें हम किसी को नहीं रहने दे सकते। आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं बाबा नजूल की ज़मीन है ना। वैसे आप करते क्या थे गुजरात में? पेंटर है। आपके पास जमीन है? जमीन नहीं है, मान लो कि वो आपका नहीं है, वो सरकारी जमीन है, उसको छोड़कर क्या आपके पास कोई जमीन है? नहीं फिर तो RDA जो प्रधानमंत्री आवास के जो फ्लैट बन रहे हैं उसमें हम आपको लाभार्थी के रूप में प्रयास कर लेंगे, उसमें आ जाएंगे। तो जो फ्लैट है उसमें आपको रहने का कहीं अन्य जगह पे व्यवस्था करा दें, क्योंकि ये कानून आपको है ही। ये धमसी राय का पूर्वा था, आप अपने हिसाब से आपको पता ही है ये प्रकरण, ये सब जो लिखा हुआ है यहाँ पे धमसी राय का पूर्वा में अशरफ अली और मोनू और जेवा अली, इनका द्वितीय पक्ष है सोनू और सरवर कुरैशी बानो, इनमें विवाद हुआ था मकान की हिस्सेदारी को लेकर। पता है पता था इसलिए हम लोग गए थे, दोनों आदमी संयुक्त टीम बना करके और कार्रवाई भी किया गया था। मतलब लेखपाल को तो पता नहीं था इसके तहत छोटी चार्ज ये छुट्टी आई थी, पता लगा कि इसका भी नहीं उसका भी नहीं, वो सरकारी ज़मीन होगा इसी पे खूंटा काटने को लेकर दोनों का विवाद। अलिया रायपुर में दो प्रकरण है और रायपुर में जो है गुलाम हुसैन और उसके दूसरे साइड मोहम्मद रफी, इनको बढ़ने नहीं देंगे। कई से मामला होता है जिसमें हम लोग एग्जैक्ट समाधान तत्काल नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हमारे संज्ञान में रहे, अगर हमारी संयुक्त टीम चले जाए पुलिस और राजस्व विभाग साथ में वहाँ पे जाके जो न्यायपूर्ण है उसका एक मौके पर समाधान क्या है उसको देख लें। मान लीजिए कोर्ट का उसमें आदेश है तो कोर्ट का आदेश तो यथास्थिति रखने के लिए होगा। आप क्या देखते हैं?
तो अभी पिछले दिनों में हम लोग चिन्हीकरण कर रहे थे, कितना समाधान हुआ है आप लोगों का, कितना दिन बाद चिन्हीकरण हुआ है शुक्ला आप बताइए। सर वो हुआ 45-46 कार्रवाई हो चुकी है सर। कितना स्टेप सर सर हाँ सर हाँ सर हो गया सर आपको सर और कितने बाकी आपको कितना बाकी हमारे यहाँ टोटल चिन्हीकरण जो है उसमें से कितने बाकी अधिकारी रायबरेली एवं पुलिस अधीक्षक के साथ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे जो थाना दिवस का सिस्टम को पुनर्जीवित किया गया है, जो नए सिरे से इसको प्रारंभ किया गया है कि कोविड का ध्यान रखते हुए, तो आप देख रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए जो शिकायतकर्ता आते हैं उनका किस प्रकार समस्या का निराकरण हो, और उसके साथ साथ पुलिस एवं राजस्व टीम तथा अन्य विभाग से संबंधित जैसे नगर पालिका हो गया या अन्य विभाग है उनके संबंधित जो भी प्रार्थना पत्र है वो संयुक्त टीम वहाँ पर जाए और मौके पर जाकर उसका निराकरण करे, उसके लिए हमारा ये प्रयास है। उसी चीज़ को मॉनिटरिंग करने के लिए मैं एक देहात थाने में भी गया था, अभी यहाँ पे मैं शहर के थाने में हूँ, और जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा भी सभी जगह भ्रमणशील होकर इसको मॉनिटरिंग किया जाता है। सर रास्ते में अपने बसरावा थाना का निरीक्षण किया यहाँ पर, तो क्या आपको लगा कि यहाँ जो व्यवस्थाएँ हैं जो फरियाद उसमें देखिए व्यवस्थाएँ तो थाना दिवस पहले भी होता था। एक तो सबसे पहली बात है कि ये कोविड के समय हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करके इसको करना है, एक महत्वपूर्ण बात है। उसके साथ साथ जो इनका जो सिस्टम है रिकॉर्ड मेंटेनेंस का सिस्टम है, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको और कैसे बेटर किया जा सकता है जिससे कि हमें मॉनिटरिंग करना ज़्यादा आसान होगा, उस संबंध में जिलाधिकारी की और पुलिस अधीक्षक से भी बात हुई है और थानों को भी निर्देशित किया गया है कि किस ढंग से अपना करेंगे। जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है हमारे द्वारा पिछले 3 महीने में विवादों का चिन्हीकरण काफ़ी संख्या में किया गया है, जैसे रायबरेली जनपद में पुलिस का द्वारा जो प्राप्त हुआ है जो जमीन संबंधी शिकायत या इस नेचर का है ये लगभग 916 शिकायत है, तो उसको हम लोग एड्रेस करेंगे कि वो कितना समाधान हो गया। दूसरा समाधान जब तक पूरा भी नहीं होता है तो कम से कम वहाँ पर शांति भंग ना हो उसके लिए प्रिवेंटिव कार्रवाई करना आवश्यक है, उसकी कार्रवाई की जाएगी। सर क्राइम है भी आपने बोला कि जमीनी विवाद को लेकर ज़्यादा होता है, तो वास्तव में ऐसी चीज़ें होती हैं, तो क्या उसके कोई आपने प्लान चकआउट किया है कि हाँ इसका निस्तारण? एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ आपको कि पिछले 3 महीने में हम लोगों ने विवाद का चिन्हीकरण किया है, गांव-गांव तक मतलब ग्राम स्तर तक हम लोगों ने विवाद का चिन्हीकरण किया है, और चिन्हीकरण करके लेखपाल और वहाँ पे स्थानीय जो बीट के SI एवं स्थानीय बीट कॉन्स्टेबल उन सबको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इसको समाधान वो करे ताकि ये अपराध में रूपांतरित ना हो जाए। सर अभी एक चंदौली में एक थी अवैध वसूली की लिस्ट जारी हुई है, कहाँ पे? चंदौली में।
चंदौली में। चंदौली जी जी जी, चंदौली तो बनारस में। नहीं सर पूछ रहा हूँ सर, इसके बारे में क्या करना है, क्या ऐसा पूरे गुजरात में? देखिए पहले मैं दूसरे जनपद के बारे में बताना उचित नहीं, लेकिन इस जनपद में या इस जोन में अगर जहाँ पे इस प्रकार प्रकरण आता है उसमें गंभीरता से लिया जाता है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि दो दिन पहले बाराबंकी में एक प्रकरण आया था, उसमें हम लोगों ने जाँच कराया, जाँच में कुछ सत्यता पाई गई तो संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध केस कायम करके उस पर कार्रवाई की। समाधान दिवस में क्या प्राथमिकता रहेगी, जिससे मान लीजिए सबसे जुड़ी संबंधित शिकायतें आ रही हैं, उसमें राजस्व टीम भी मौके पर रहती है, पुलिस भी रहती है, सब क्या इनमें सब शिकायतों को क्या मतलब बहुत सारे छोटे विवाद भी होता है जिसको आसानी से निपटाया जा सकता है, और कुछ ऐसे विवाद है जो कोर्ट में है तो उसमें हमारा उद्देश्य होगा कि शांति रहे, वहाँ पे मौके पर झगड़ा ना करे जब तक कोई माननीय न्यायालय का आदेश ना। थैंक यू।